नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल D2M में। दोस्तों, आपने अक्सर फिल्मों में डायनासोरों को देखा होगा। इन विशाल जानवर को देख के आपके मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि क्या यह विशाल जानवर वास्तव में दुनिया में थे, और अगर दुनिया में थे तो ये विलुप्त कैसे हो गए। दोस्तों, इनके विलुप्त होने के कारण हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मौसम एकदम सामान्य था। प्रकृति मुस्कुरा रही थी और चारों तरफ डायनासोरों के चिघाड़ने की आवाजें गूंज रही थी। उस समय ये आराम से अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो बहुत दूर अंतरिक्ष से आ रहा था और वह पृथ्वी से 20 करोड़ मील दूर मंगल व बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट में घूम रहे एक एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। दोस्तों, अगर यह एस्टेरॉयड चंद्रमा से टकराता तो शायद इन डायनासोरों का अंत नहीं होता, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। यह एस्टेरॉयड चंद्रमा के ठीक नजदीक से होकर गुजरा और धरती की तरफ बढ़ता रहा। दोस्तों, जब यह पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार 3 गुनी हो गई और घर्षण के कारण यह एक भयानक आग के गोले में परिवर्तित हो गया। दोस्तों, इसकी चमक इतनी थी कि इसके टकराने से पहले ही हजारों जीव दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे, और जब यह एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक विनाशकारी विस्फोट हुआ, और इसका विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। दोस्तों, इसके टकराने वाले स्थान पर 20 किलोमीटर गहरा और 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। इसके टकराने के कुछ समय बाद धरती के अंदर लगभग 11.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे समुद्र में विशाल लहरों का निर्माण हुआ। चारों तरफ सुनामी की लहरें उठने लगी। भूकंपीय तरंगों की वजह से सभी सक्रिय ज्वालामुखी दहक उठे, जिसके कारण डायनासोरों का विनाश शुरू हो गया। जहां यह एस्टेरॉयड गिरा था उसके 8 किलोमीटर की दूरी तक के सभी जीव राख हो गए। दोस्तों, इसके विनाश से उड़ने वाले डायनासोर तो बच गए, लेकिन विस्फोट के कारण आसमान में ऊपर गए मेटल्स, जो कि धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आने लगे, आग के गोलों की तरफ बरसने लगे। साथ ही धूल का तूफान लगभग 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ से बढ़ रहा था। यह कई किलोमीटर मोटे थे। इसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही थी। चारों तरफ का तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, जिसके कारण लगभग सभी पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। विस्फोट के 2 घंटे बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस हो गया, और जो डायनासोर विस्फोट से बहुत दूर थे वे भी इस गर्मी में बच नहीं पाए। इसके विस्फोट से लगभग 90% जीव समाप्त हो गए, और वही जीव बचे जो छोटे आकार के थे। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।